ओके, सो वी कंटिन्यू फर्दर विद मोशन अंडर ग्रेविटी. कल कौन सा लास्ट प्रॉब्लम किया था? एनीबडी कैन रीड? जीतू, लास्ट प्रॉब्लम क्या किया था हमने? रीड करो. So, a stone is thrown upward with the initial velocity of 40 meter per second and okay. अभी अगला प्रॉब्लम लिखो. A body is released from rest. From rest. To fall freely under gravity. Alright. Reach ground in four seconds. With what velocity it must be projected? It must be projected from the ground to reach this height. Take g equal to 9.8 meter per second square. Given to find and solution. Okay. Understand the situation. A body is projected vertically upward with velocity of 90. Sorry, the body released from rest to fall under gravity reaches the ground in 4 seconds. Let us say kitna height se. Let us say from point A, a body is released from rest. Yahan se. To fall freely. Aur ye ground pe jaati hai barabar 4 seconds mein. Kitne second mein? 4 सेकंड में. तो लोग बोलते हैं फाइंड द हाइट, कितनी ऊंचाई से उसको गिराया गया था. फर्स्ट पार्ट बोलते हैं कितनी ऊंचाई से उसको गिराया गया था. विद व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए उसको, उसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर, सेकंड पार्ट में उसको कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंके so that it can reach to this height, so that वो यहाँ पे आ जाए, बराबर उस height पे आ जाए. तो first part में पूछा है h, first part में पूछा है h, और second part में पूछा है v. v is the not velocity, initial velocity with which you can say u, actually you can say u, इसको u बोल दो, किस velocity से ठीक है ये ऊपर आ जाए. We are given time equal to 4 seconds. We are given g equal to 9.8 meter per second square. मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ आपको. देखो प्रॉब्लम ऐसे है कि किधर ऊपर चढ़ के हाइट से ऐसे स्टोन गिरा, ट्यूम, तो बराबर नीचे ये आते हो, जैसे जमीन से टकराए तो स्टॉपवॉच बन गई, तो कितना सेकंड? 4 सेकंड. फ्रीली अंडर ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन वॉज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लोग बोलते कितनी ऊंचाई से उसको गिराया था. फिर हम बोलते हैं सपोज मुझे इस ऊंचाई तक नीचे से फेंकना है ऊपर, तो कितनी वेलोसिटी से फेंके सो दैट वो उतना हाइट कवर कर ले, कितनी वेलोसिटी से उसे फेंकना चाहिए. दैट इज व्हाट इज द टू पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम.
Is the problem clear? Is the problem clear or not? मुझे भरकेश मुझे प्रॉब्लम बता क्या है बेटा अपने ओन मेथड से बता। हाँ सर, एक बॉडी पहले उसको फ्रीली गिरा दिया है, वो 4 सेकंड में ग्राउंड पे टच करता है नीचे। वेरी नाइस। तो हमें उसका जो इतना वो गिरा है उसका हाइट हमें फाइंड करना है, और फिर उसे नीचे कितने वेलोसिटी से फिर से ऊपर फेंकेंगे कि वो हाइट रीच करेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बर्गेश, वंडरफुल, आई रियली लाइक, बहुत अच्छा आंसर है। तो हम लोग पहले कंसीडर करेंगे फ्रॉम मोशन फ्रॉम ए टू बी। देखो, ए यानी इनिशियल, बी यानी फाइनल। ए टू बी, यू एच जी टी, इसमें मैं क्या भरू, आप लोग मुझे हेल्प करेंगे। यू में क्या लिखू, यू प्लस और समय अननोन है ना, अपने को टाइम तो पता नहीं है, टाइम पता ओनली 120 आंसरिंग। देखो मैं मिस्टेक करता रहूंगा, लेकिन तुम लोग बीच बीच में बोलो नो सर राइट दिस राइट दैट, तो मजा आता है सिखाने को। अब एच यू डी टी का कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करता है एक दूसरे को, कोई मुझे बतावेगा कौन सा फॉर्मूला कनेक्ट करता है एच यू जी टी का? एच इक्वल टू वेरी गुड विधि, lovely answer Vidhi, Vidhi and Burgess and Afif, you are doing really well. Others also must speak out. H is H, U is 0, 0 into 4 plus half into 9.8 into 4 ka square 16, so H equal to 9.8 into 4 le, so H equal to 80 meter se kam aayega, kitna aayega 78.4। मतलब उसको 78.4 मीटर से ड्रॉप किया था, क्यों ऊपर से फेंका था। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कोई मुझे बताएगा मोशन कहां से कहां कंसीडर, ये कॉपी कर रहे हो ना साथ में कि तुम लोग बैठे हो, कॉपी किया ना बच्चों? yes. ओ प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी किया कि नहीं? बोलो। यस सर डन। यस सर डन। सेकंड पार्ट में मुझे कोई बताएगा, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, कितने वेलोसिटी, तो मुझे मोशन फ्रॉम ए टू बी लूं या कुछ और करूं? इनिशियली मेरी बॉडी यहाँ पे है, अब की बार तो मोशन कहाँ से कहाँ लूं? मोशन फ्रॉम बी टू ए, दैट्स राइट, that's lovely answer by Jitu। अभी यहाँ पे भी U V G H, ये जरा भरो, अपने आप भरो 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 भरो। So you will be U, U will be U, and so V will be zero, V will be V equal to V, na? No sir, V. Zero. कैसे 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 कैसे? Sir, it's at the end, it's end only, na? If we throw object from ground to space. Because ऐसे बोलने का, whenever body reaches maximum height, then its velocity becomes zero. Velocity becomes zero. G equal to क्या लिखो? Minus 9.8 meter per second square, because it is thrown upward, और h कितना लिखो? h पता नहीं है हमको कि पता है, so 78.4 meter, that's right। बहुत अच्छे बच्चे लोग, तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, very good। ओम तुम भी बोलो, मास तुम भी बोलो। अभी मुझे ओम बता कौन सा फॉर्मूला यूज करूं ओम?
ये चार को कनेक्ट करने वाला कौन सा फॉर्मूला है? v square equals to u square plus 2gh. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ओम, बहुत प्यारा बच्चा है. v equal to 0, u equal to u square plus 2 into minus 9.8, h is 78.4. therefore u square equal to 2 into 9.8 into 78.4. so u equal to root of this. All right, that is 19.6 into 78.4. All right, that is equal to, I think, root of 196 upon 100 into 784 upon 10. Just check your, is this right? इसका आंसर जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 39.2 मीटर पर सेकेंड. 39.2 मीटर पर सेकेंड, दैट्स द आंसर. हो गया, कॉपी मार लिया कि मैं इसको पता नहीं. अभी अभी मेरे को एक ख्याल आ रहा है कि इस प्रॉब्लम में कुछ चेंजेस करें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. नया प्रॉब्लम करने के बदले इसी प्रॉब्लम के अंदर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न ये कॉपी किया कि बताऊं ऐसा एक बार बच्चों. सर डन, ये बताऊं रूलर मार के एक स्टेप की क्लियर है मास. सर क्लियर. Everybody, Bhargesh? Yes, sir. Clear. Okay. Now, I change this problem. Let us see what change I'll do. A body is not released from rest. Body is thrown down with 2 meters per second. And then falls under gravity. Reach ground in 10 seconds. Find the height of its release with what velocity it must be projected from the ground to reach this height. ये वाला कॉपी कर लो प्रॉब्लम. बॉडी थ्रोन डाउन विथ वेलोसिटी ऑफ विथ 2 meters per second, मतलब नीचे है ना फेंकते टाइम ऐसे आपकी बार ऐसे रिलीज नहीं करती हूँ, ऐसे छोड़ा नहीं, ऐसे फेंका है 2 meters per second नीचू. एंड टी कितना? 10 seconds. Prisha, are you following? Just say yes or no. Khali itna bolo Prisha, yes or no.
कृष्ण सुनाई दे रहा है कि नहीं? आई एम ऑडिबल और नो? चलो ओके, नाउ ए टू बी, ए टू बी, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आएंगे गिवन में, जरा मुझे बताओ गिवन में क्या क्या लिखूंगा यहाँ पे और यहाँ पे? सो टाइम एंड इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना लिखना होगा? सो 2 meter per second, 2 meter per second, जी कितना लिखना होगा दिस, और समय कितना लिखना होगा? 10 seconds, और एच और यू पूछ रहे ए टू बी में जी लिखो, यू मालूम, जी मालूम, बी मालूम, एच मुझे ढूंढना है, अंजू बोल दिया उसको 11 बजे बुला लिया। यस 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 प्यारे बच्चों, H equal to UT and 2 into 10, हजार होता तो 500 होता, 980 तो कितना होगा? 490। पांच सौ 10 meter। यहाँ पे करो B2 है, जरा चेक करो एम आई राइट और रॉन्ग। U square equal to 999996. कोई डाउट है तो मेरे को पूछो, प्लीज आस्क मी।
अब सुनो प्रॉब्लम, नया प्रॉब्लम सुनो. आई एम गोइंग टू आस्क व्हाट द प्रॉब्लम इज. बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ब्यूटीफुल प्रॉब्लम. उसी के अंदर इस प्रॉब्लम में चेंज किया है. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, फ्रॉम अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड अप विथ 2 meters per second. Right, from the top of a tower, from the top of a tower, from the top of a tower, it reaches ground in 10 seconds. Find the height of tower. जरूरत नहीं, फ्रॉम ये जरूरत नहीं इसका. चलो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये बहुत ब्यूटीफुल मार्क. दिस प्रॉब्लम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. इसमें अभी आपको आपका रियल इंटेलिजेंस मालूम पड़ेगा. सी क्या कर रहे हो कि आप कैसे करो. नाउ व्हाट आई एम डूइंग यू नो, आई एम ये कॉपी कर लो पहले प्रॉब्लम. ये डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो. देखो क्या लिखा है. अ बॉडी इज थ्रोन अप विद 2 meters per second फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. टावर के ऊपर से इट रीचेस ग्राउंड इन 10 seconds. मतलब ये ग्राउंड पे यहाँ पे टकराने का टाइम 10 सेकेंड. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. Also, एक और लिखो. Find its velocity after, find its velocity after, ये 10 seconds है ना, after 6 seconds and 9 seconds. After 6 seconds and 9 seconds, ये भी निकालो. मस्त मजा आएगा. प्रॉब्लम बताऊं कि एक बार फिर से समझाना पड़ेगा कि समझ गए हो प्रॉब्लम. माज माज बेटा, माज माज ओ माज, ये भी गायब. क्या मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? माज आर यू देयर? सर माय नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर. हाँ तो बस इतना बोल चलेगा. प्रॉब्लम बता क्या है प्रॉब्लम. प्रॉब्लम बोल, तेरी आवाज अच्छी तरह आई. माय नेटवर्क प्रॉब्लम इज देयर. चलो मैं एक बार वापस बता रहा हूँ, फिर तुम मुझे बताओ. मार्च को बताना पड़ेगा. देखो एक टावर था, हाई टेक्स थे उसके, उसके ऊपर मार्च चढ़ गया एक दिन ऊपर टॉप पे जाके, और फिर उसके ऊपर एक ऐसे ऊपर पत्थर पेगा 2 meters per second से. तो पत्थर ऐसे ऐसे गया, ऊपर गया, यहाँ से आके आके नीचे टकराया. तो ये टक्कर मारने के पहले टोटल टाइम उसने 10 सेकंड हवा में था. तो लोग बोलते हैं कितनी ऊंचाई से उस पत्थर को फेंका गया था, हाइट ऑफ द टावर. फिर उसने बोला 6 सेकंड और 10 सेकंड 9 सेकंड के बाद स्टोन की वेलोसिटी क्या थी. स्टोन की वेलोसिटी क्या थी. इज दैट क्लियर? अब मास प्रॉब्लम बता सर. एक टावर से, एक टावर के आगे मैंने पत्थर फेंका 2 meters per second से, वो नीचे नीचे आते ऊपर 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 फेंका 2 meters per second की उसपे, फिर वो नीचे नीचे आया. उस नीचे नीचे आया तो उसकी हाइट ऑफ कितने टाइम में वो टच किया. नो नो, 10 सेकंड में टच किया दिया हुआ है. 10 सेकंड में टच किया, अरे दिया है 10 सेकंड में टच किया दिया है अपने को. वो लोग बोलते हैं हाइट, वो टावर की हाइट क्या था जिसपे मार्च चढ़ गया था. Is this clear? Oye. और ये भी yes, 3 seconds or 9 seconds के बाद उसकी velocity क्या थी? Alright. तो हम लोग motion consider करते हैं पहले. Anybody? चलो पहले 1 minute का time देता हूँ. I am giving you one hint. A to C. Motion from A to C.
बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट है ना, इसको क्रूशियल मान लो। ये अगर लिखना आ गया ना तो आगे का पार्ट, आगे का पूरा चैप्टर आपको आसान लगेगा। प्रोजेक्टाइल करना अभी बाकी है, प्रोजेक्टाइल भी आपको इजी लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, बहुत मजा आएगा आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम। ए टू सी मैंने हिंट दिया, ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट। चलो मुझे बता देना यू क्या है, जी क्या है, एच क्या है, टी क्या है। जो बताएगा ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, उससे अच्छा कोई स्टूडेंट हो ही नहीं सकता जो चारों चीज बराबर लिखेगा। He will be one of the best. And let me tell you one thing. Please, please sincerely try karo. Let it be wrong. Complete wrong hone do. Idhar U ke badle 50 likh do chalega. Lekin main chahta hoon likho. Everybody must kuch na kuch likho so that you will come to know what mistakes you are doing. Mistake karna koi bura hi nahi hai. Haan, bolo, bolo. Very good. U kitna likho? Sir, 2 meter per second plus U. That is right. Aur G? Sir, G... 9.8 meter per second positive. 9.8 meter. Or H? Sir, H. H. Or P? 10 seconds. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर के बदले नीचे फेंका होता है, नीचे फेंका होता है तो क्या चेंज होता है? यू के बदले क्या लिखते हैं? टू के बदले टू ही लिखते हैं कि यही लिखते हैं? सब बहुत नीचे फेंक रहे हैं हम लोग, क्या चेंज आता था इसमें? यस और नो? अरे नीचे, अभी ऊपर फेंका है ना हमारे प्रॉब्लम में, सब वो नीचे फेंका था हमने, तो उसमें क्या किया? ग्रेविटी सर, ग्रेविटी वुड बी नेगेटिव। दैट्स राइट, दैट इज फर्स्ट थिंग। और मिस्टेक है, और भी मिस्टेक है। देखो जीतू, इनिशियली अगर बॉडी को ऊपर फेंका है, पॉइंट है पे ऊपर फेंका है कि नीचे फेंका है? सो ऊपर फेंका, तो फिर जी माइनस 9.8। देखो ना लास्ट टाइम जब हमने नीचे फेंका था तो जी प्लस 9.8 लिया था, 2 मीटर पर सेकंड से नीचे फेंका तो जी वाज प्लस 9.8, तो अभी भी प्लस कैसे हो सकता है? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, इसका यहाँ पे बहुत बड़ा आंसर छुपा है। मुझे एक बात बताओ, एक बार है ना ओ मिस्त्री यहाँ से ट्रेवल किया, उसने यहाँ से यहाँ गया 50 मीटर। सर हाइट इट विल बी h प्लस समथिंग बिकॉज़ वी आर थ्रोइंग इट अप, सो हाइट विल बी मोर देन द हाइट ऑफ द टावर। राइट में गया 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना? 50 मीटर प्लस 50 मीटर। चलो सपोज ये वापस यहाँ से यहाँ आ गया, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एक्स टू? तो यहाँ पे मुझे इतना बताओ, सुनो ध्यान से, सुनो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं मोशन ए टू डी लेता, अगर मैं मोशन ए टू डी लेता तो एच के बदले क्या लिखता? अगर मैं मोशन ए टू बी लेता, जीरो लिखता, और ये नीचे जा रहा है और भी नीचे, तो एच के बदले क्या आएगा? यहाँ तक जीरो आ गया, यहाँ पे माइनस है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट। ये जिसको समझ में आ गया ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, लेट मी टेल यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेम यूआई पे आ गए तो हाइट जीरो, नीचे चले गए और भी, और बॉडी को कहाँ फेंका था? ऊपर फेंका था, इसलिए दिस हाइट नाउ विल बिकम नेगेटिव। जैसे ये माइनस 10 मीटर है, उसी तरह से दिस विल बी एच विल बी माइनस एच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब यहाँ पे अप्लाई करो एच इक्वल टू यू टी प्लस आर जी टी स्क्वायर। ये समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो इधर मैंने स्टार मार्क किया लाल में, तो एच के बदले माइनस एच, यू के बदले टू, टी के बदले 10 प्लस हाफ, जी के बदले माइनस 9.8, टी के बदले 100। तो ये देखो कितना मस्त आंसर आता है, माइनस एच इक्वल टू 20 और 980 डिवाइड बाई 2
will be 490. Therefore, sabka sign change kar do, so h will be 490 minus 20. ये एक खतरनाक एग्जांपल था, बहुत बढ़िया एग्जांपल था, इससे क्लैरिटी हो जाती है हमारी। एक होमवर्क यहां पे मैं देना चाहूंगा। हाँ अभी, हाँ ये भी 6 सेकेंड और 9 सेकेंड के बाद वेलोसिटी। आफ्टर 6 सेकेंड, After 6 seconds, UVTG. Let us say 6 seconds ke baad, let us assume something. Let us say 6 seconds ke baad particle yahan pe. Let us say PH6. और ये लेट्स से H9, नहीं अपने को क्या चाहिए, वेलोसिटी V6, और यहाँ पे V9, वी डोंट नो, हमने इधर मार्क कर दिया कि इधर ही, एक्चुअली तो यहाँ पे आ गई होगी 9 सेकंड में, क्योंकि 10 सेकंड में इधर गिरी है, तो 9 सेकंड में इधर किधर होगी, हमको पता नहीं, हमने V6 यहाँ लिखा, V9 यहाँ लिखा, पता नहीं अभी क्या है आंसर, पता चलेगा। वी आफ्टर 6 सेकंड और तीसरा लिखेंगे वी आफ्टर 9 सेकंड। V after 9 seconds. बताओ U क्या लिखूं यहाँ पे? U V T N G. बोलो बोलो बोलो. Let us say इसका नाम A B C ना, ये point है D, let us say. ये point का नाम D और ये point का नाम E. तो यहाँ से motion from A to D. और ये motion from A to E. ये देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया देन यू कैन एक्चुअली सॉल्व एनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज द मेन आइडिया। हाँ यू कितना लिखूं इधर, वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड, देखो मैं ए टू डी ले रहा हूं, एक्चुअली यहां पे आएगा तो पता चलेगा कि डी सर ये तो बी टू सी के टाइप पे आ गया, अपने आप आंसर में पता चल जाएगा। यू कितना लिखूं दोनों बाजू में इधर और इधर, यू तो सेम ही है 2 मीटर पर सेकंड, वी पता नहीं है, वी सिक्स लिख देते हैं इधर, वी नाइन लिख देते हैं, हाँ इधर टाइम कितना लिखूं, इधर टी कितना लिखूं, टी 6 सेकंड, दैट्स वेरी गुड जितेंद्र, वेरी गुड, इधर 9 सेकंड, और जी बॉडी को ए पे, पॉइंट ए पे हालत देखो क्या है, पॉइंट ए पे बॉडी को कहाँ फेंका है, बॉडी को कहाँ फेंका है, ए पे ऊपर, तो जी विल बी नेगेटिव, तो अप्लाई द फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी सिक्स, यू इज टू -6 × 9.8, so V6 का आंसर आएगा 2 − 6 × 9.8। अरे अफीफ, 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 यस सर, अरे जैन आपने पेपर दिया क्या संडे का कि अभी तक नहीं दिए? सर आई हैवंट गिवन, शुड आई सेंड इनविटेशन टू यू, should I send an invitation, Afif, please give paper, I don't like this, मेरे को लगा you are a very sincere student, Maz, Maz, oh Maz, यस सर, पेपर दिया सर, आपने मेरे को सेंड ही नहीं किया पेपर, तो तुमने मेरे को बोला
मैंने कल बात की तो तुमने बोला सी उड गया था, आपको मम्मी ने बताया था, फिर आखिर मैं बार बार पूछ करूं कि क्या करूं, कब भेजूं, क्या करूं। योर ड्यूटी ना आफिफ, आफिफ एवरीबडी यू शुड टेक इंटरेस्ट कि सर मेरे को पेपर देना है, सर प्लीज सेंड कीजिए आप। रियली आई फील योर यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आई डोंट लाइक दिस। तुम लोगों को सोचना चाहिए कि अभी हम लोग को पढ़ाई करनी है, आगे हमारा मेन अभी मकसद है आगे बढ़ना, सर हमको हेल्प करने के लिए तैयार है, सर पेपर बनाते हैं, हम लोग देते नहीं तो दैट इज वेरी बैड। अभी ये संडे को भी टेस्ट होगा, सरप्राइज टेस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट, एवरीथिंग यू स्टडी प्रॉपरली, जो इधर हो रहा है क्लास के अंदर सब आना चाहिए। अच्छा माइनस का मतलब क्या, एनीबडी कैन टेल मी, ये माइनस आ गया यार, आई डोंट लाइक दिस माइनस साइन, व्हाट डज दिस माइनस साइन सजेस्ट एनीबडी, एनीबडी कैन सजेस्ट दिस माइनस साइन मींस व्हाट। देखो यू इज प्लस टू, U is plus 2, but V6 is minus 56.8. U is plus 2, but V9 is minus 86.2. Anybody can tell me? Bolo. That means point D is not here. Point D is somewhere here. It is going down. Upward velocity humne positively. Or this is somewhere here. It is going down. This is velocity at 6 is not there, but velocity 6 is here. So, yahan pe likho, it is along path. Negative sign implies along BC and downward. Negative sign implies along BC and downward. Ye samajh mein aaya aisa? ये नेगेटिव साइन का मतलब उधर नहीं है सर, इधर है, अभी नीचे गिर रहा है ये। यहाँ पे माइनस साइन मतलब प्लस टू यानी ऊपर जा रहा था, माइनस मतलब ये नीचे आ रहा है अभी सर, ये माइनस यानी नीचे आ रहा है सर ये अभी। आई होप दैट्स क्लियर। यस यस सर। एक मिनट एवरीवन, एवरीवन। यस सर। गुड, वेरी गाइस, बहुत अच्छा। इसलिए मैंने पर्पसली यहाँ लिया था पॉइंट, जिससे आपको पता चले माइनस अगर प्लस आता तो इधर ही है अलोंग पाथ एबी। A ball is thrown up with 2 meters per second from the top of a tower, 200 meter high. Find the time body will take to hit the ground. ये problem लिखो, homework. A body is thrown up. A stone लिखना है तो stone लिख दो. Body is thrown up with velocity of 2 meters per second from the top of a tower 200 meter high. 200 meter के ऊपर से ऊपर फेंका. बोलो बोलते कितना वक्त लगेगा to hit the ground? G equal to 9. G equal to 10 ले लो चलो. So that calculation will become easy. 10 meter per second square. Your homework ego. I don't like. तुम लोग को initiative लेना चाहिए sir. हम लोग को ये करो हमारा test भेजो sir. हमको test भेजो please. We want to give test.